and वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन जिन्होंने सक्सेसफुली अपना टेंथ बोर्ड एग्जामिनेशन पास कर लिया है एंड नाउ मोस्ट वेलकम टू क्लास इलेवेंथ ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम सो आई वेरी वे नो कि क्लास टेंथ पास करने के बाद स्टूडेंट्स को कितना ज्यादा परेशानी होती है अपने स्ट्रीम को चूज करने में एंड अगर आपने अपना स्ट्रीम चूज कर भी लिया देन फिर भी हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन होता है अबाउट कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं कौन सा बुक पढ़ना है लेटेस्ट सिलेबर्स क्या है एंड कैसे तैयारी शुरू करें, एंड साथ ही आजकल जैसे कि सबको यूट्यूब से ही अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहा है सो विच इज़ द बेस्ट यूट्यूब चैनल टू स्टडी कौन से यूट्यूब चैनल से हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं एंड आई नो कि आप भी इन सारे सवालों से जूझ रहे हो सो so अगर आपने अपने क्लास इलेवेंथ में ह्यूमैनिटीज यानी कि आर्ट्स स्ट्रीम को चूज किया है एंड अगर आपके माइंड में भी ये सारे क्वेश्चन घूम रहे हैं देन आपने एकदम सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया है दिस वीडियो इज मेड फॉर यू सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड आपके मन में जितने भी डाउट्स है जितने भी कन्फ्यूजन है वो सारे कन्फ्यूजन आज के इस वीडियो में आपके दूर हो जाएंगे सो so मैं वन बाई वन करके आपके सभी डाउट्स को क्लियर करूंगी सो लेट्स स्टार्ट आवर टूडेज वीडियो विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज विच सब्जेक्ट टू चूज कौन से सब्जेक्ट हम चूज करें सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको किस सब्जेक्ट को पढ़ने में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है सो so जैसे कि आपने आर्ट स्ट्रीम को चूज़ किया है दैट मीन्स कि आपको ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम इसलिए चूज करते हैं ताकि वो लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सके सो so ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन क्लास इलेवन से ही स्टार्ट कर रहे हो सो देयर आर वेरियस सब्जेक्ट टू चूज सच एज हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटिक साइंस इकोनॉमिक साइकोलॉजी सोशोलॉजी फिलोसफी इंग्लिश हिंदी एंड मेनी मोर सो अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ह्यूमेनिटी स्ट्रीम्स के लिए वो है सबसे इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल साइंस थर्ड इज़ जोग्राफी फोर्थ इज़ इंग्लिश एंड फिफ्थ इज इकोनॉमिक्स सो ये पाँच सब्जेक्ट मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं जो हर एक ह्यूमेनिटीज स्टूडेंट्स को लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी बट आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं सो आई होप कि आपको अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा बट अगर अभी तक आप लोगों को अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है देन जस्ट क्लोज योर आइज क्स टू योर सेल्फ की आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट है विच सब्जेक्ट यू वॉन्ट टू स्टडी एंड यू विल गेट योर एंसर सो विद दिस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज विच बुक्स टू स्टडी

बुक्स बेस्ट है सो क्लास प्रिपरेशन के लिए जितना नॉलेज आपको चाहिए उतना आपको एनसी आर टी बुक्स मिल जाएगा सो so no so अब हम कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के एन सी आर टी बुक्स के नाम जान लेते हैं उसी के साथ साथ आप लोगों का जो नेक्स्ट डाउट है या फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट द लेटेस्ट लेवर्स उसको भी जान लेते हैं

उस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से लेटेस्ट लेबर्स को एक्सप्लेन किया है सो so, वीडियो को क्लिक करके आप लेटेस्ट लेबर्स को देख सकते हैं या फिर आप बाद में भी उस वीडियो को देख सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी सो so, नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस बुक की सो क्लास इलेवेंथ में आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस में दो बुक पढ़ना है पहला बुक का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड सेकेंड बुक का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी सो पॉलिटिकल साइंस के लेटेस्ट सिलेबर्स के ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे से सिलबस को एक्सप्लेन किया है कि कौन से कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं कौन से कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं एंड कौन से कौन से चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं सो आई बटन में जो लिंक गिवन है आप उसको टच करके पॉलिटिकल साइंस के भी लेटेस्ट सिलेबर्स को जान सकते हैं एंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूँगी एंड अगर हम बात करें इंग्लिश सब्जेक्ट की सो so इंग्लिश में भी आप लोगों को दो बुक पढ़ना है पहला बुक का नाम है हॉर्नबिल एंड दूसरा बुक का नाम है स्नैपशॉट, सो so ऐसे ही आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का एनसीईआरटी बुक ही पढ़ना है एंड अगर आपको लेटेस्ट लेवल्स जानना है सारे सब्जेक्ट्स का देन मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट के लेटेस्ट लेवल्स को पोस्ट कर दिया है सो so आप वहां से सारे सब्जेक्ट के लेटेस्ट लेवल्स को देख सकते हैं एंड अगर मैंने किसी सब्जेक्ट का अभी तक पोस्ट नहीं किया है देन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में लेटेस्ट लेवर्स अपलोड कर दूंगी सो नाउ लेट्स मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ हाउ टू स्टडी कैसे पढ़ाई करें सो द बेस्ट वे एंड द मोस्ट सिंपल वे टू

सिंपल है किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क चाहिए होता है सो so, इस टॉपिक को हम बाद में किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि आज के इस वीडियो में अगर हम इस टॉपिक को डिस्कस करने जाएंगे देन वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा सो so, अभी फिलहाल आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं

मिनट उस वीडियो को देख लीजिए इट्स अ रिक्वेस्ट एंड अगर आपको चैप्टर समझ में आ रहा है देन आप समझदार के लिए इशाराई काफी है सो so विद आज का ये वीडियो एंड करते हैं आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा एंड वीडियो काटने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एज आई थिंक कि आप लोगों को बाद में भी मेरी ज़रूरत पड़ सकती है सो so बाद में मुझे खोजने से अच्छा है कि आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो नाउ सी यू ऑल सोन इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय स्टे ट्यून विथ माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो